सर ये ग्रीन शू ऑप्शन, हरे जूते का ऑप्शन, द वर्ड ग्रीन शू मीन्स हरा जूता, सर ये ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है? सुनिए, एक बहुत बड़ी और बहुत मेजर प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, एक बहुत बड़ी और बहुत मेजर प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। सर पहले तो वो प्रॉब्लम जाननी पड़ेगी तभी हमें सॉल्यूशन समझ आएगा। कहता होता क्या है, एक कंपनी जो बहुत अच्छी कंपनी है वो अपना पब्लिक इशू लाती है, जब वो अपना पब्लिक इशू लाती है तो शेयर्स जब लोगों को इशू करती है तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है। सिंपल सी बात है भाई, वो इशू करेगी 1,00,000 शेयर, एप्लीकेशन आ जाएंगी 20,00,000 शेयर्स की, इसमें कोई डाउट? तो ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, तो सबको प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट होगी, 100 की जगह 5-5 शेयर मिलेंगे, हाँ या ना? ये बात सबको समझ आ रही है, प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट हो गया, कम कम शेयर्स मिले सबको। अब कहता है जब इतने कम शेयर्स मिले तो जो लोग, और कईयों की एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाती है, आई रिपीट, एक अच्छी कंपनी है वो पब्लिक इश्यू ला रही है, वो पब्लिक इश्यू ला रही है तो लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं तो 20 गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, जिसकी वजह से सबको 5-5 शेयर्स मिलते हैं और कईयों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। अब जिनको शेयर्स नहीं मिले या वो चाहते थे 100 मिले, 5 शेयर्स मिल गए, वो बेचारे अब कहां से खरीदेंगे? जिस दिन शेयर मार्केट में लिस्ट होंगे, लिस्ट होते ही वो लोग शेयर्स खरीदना चाहेंगे, हाँ या ना? लिस्ट होते ही वो लोग शेयर खरीदना चाहेंगे, ये बात समझ आ रही है आपको? लिस्ट होते ही, क्योंकि कंपनी अच्छी है, आज फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग है, क्योंकि कंपनी अच्छी है इसलिए कोई बेचना चाहेगा नहीं, लेकिन खरीदना सारे चाहेंगे। इसका मतलब आप समझ लो कि सप्लाई होगी नहीं और डिमांड बार बार बढ़ती रहेगी, डिमांड बढ़ती रहेगी तो प्राइस क्या हो जाएगा? शूट अप हो जाएगा। समझ आ रही है बात आपको? क्योंकि ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग देयर इज नो पर्सन हु इज विलिंग टू सेल दी सिक्योरिटीज, बट एवरीवन इज विलिंग टू परचेज दी सिक्योरिटी, तो बायर्स बहुत सारे हैं, सेलर है नहीं, अल्टीमेटली प्राइस क्या हो जाएगा? शूट अप हो जाएगा, इसमें कोई डाउट? तो इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए, क्योंकि ये अनजस्टिफाइड इन्फ्लेशन है ना यार, यहाँ पे कंपनी का तो कोई रोल ही नहीं है, यहाँ पे तो डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए, इस अनजस्टिफाइड इन्फ्लेशन को रोकने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, ग्रीन शू ऑप्शन। सर इसका नाम ग्रीन शू ऑप्शन क्यों रखा गया? क्योंकि ग्रीन शू लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी जिसने पहली बार शुरू किया था, यूरोप की कंपनी थी ग्रीन शू लिमिटेड, उसने पहली बार सन 1918 में इस मेथड को अडॉप्ट किया था, ठीक है जी? उसने फर्स्ट, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पब्लिक इश्यू लाया था, तब उसने इस मेथड को अडॉप्ट किया था, तब से इसका नाम हो गया ग्रीन शू ऑप्शन। मेरे हिसाब से इस कंपनी का, इस कॉन्सेप्ट का नाम ग्रीन शू ऑप्शन की जगह होना चाहिए प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म। क्या बोलते हो? प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म, सही बोल रहा हूं मैं? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट हुई, लिस्ट होता ही प्राइस शूट अप हो गया, हाँ या ना? तो उसकी, उसको रोकने के लिए, इतना ना बढ़े उसको रोकने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया। सिंपल सी बात है, समझ आती है कहानी है? तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट क्यों आया था? प्राइस की मूवमेंट को रोकने के लिए, प्राइस अननेसेसरीली इंक्रीज हो रहा है उसको रोकने के लिए, डन। अब ना आप में से कई बच्चे ये भी कह सकते हैं सर उसके लिए तो सर्किट ब्रेकर भी है, लेकिन भाई सर्किट ब्रेकर जो हो लगता है वो लगता है पिछले ट्रेडिंग सेशन की एवरेज को लेके, यहाँ तो पहला ट्रेडिंग सेशन है आज, ये तो कंपनी आज पहली बार लिस्ट हो रही है, जब पहली बार लिस्ट हो रही है ये कंपनी, इसका इश्यू ही आ जाया है तो इसका मतलब ये तो पहले कभी ट्रेड ही नहीं हुई, तो सर्किट ब्रेकर का डाटा ही नहीं है हमारे पास। समझ आ रही है ये बात? तो सर्किट ब्रेकर होता है उन कंपनीज की मूवमेंट के लिए जो ऑलरेडी कई पहले से लिस्टेड है, ग्रीन शू ऑप्शन होता है ना उन कंपनीज के लिए जो पहली बार आज लिस्ट हो रही है। समझ आ रही है बात? हमें याद रहेगा। तो अगर मेरे से कोई पूछे ग्रीन शू ऑप्शन क्या है, तो देखो मैंने यहाँ पे एक ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसको देख के समझना मैं सही कह रहा हूं। देखिए मैं कह रहा हूं, कंपनी पब्लिक को शेयर इशू कर रही है, जब कंपनी ने पब्लिक को शेयर इशू करे तो अच्छी कंपनी है तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट हो गई, राइट? क्लियर है जी? अब क्योंकि प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट हुई तो सबको कम कम शेयर मिले, कंपनी लिस्ट हो गई। अब लिस्ट हो गई तो मैं कह रहा हूं ये ब्लू चिप स्क्रिप्ट है, ब्लू चिप का मतलब अच्छी कंपनी है, टॉप की 100 कंपनीज में आती है, तो कहता है इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, या सप्लाई है ही नहीं आप ये कह लो, राइट? डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई इसकी कांस्टेंट है, जिसकी वजह से कह रहा है प्राइस शूट अप हो रहा है अनरीजनेबली, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो मैकेनिज्म है उसका नाम है ग्रीन शू ऑप्शन। यही सेम बात मैंने आपको बताई, यही बताया। कैसे होगा ये नहीं पता अभी हमें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये पता चल गया।
कि प्रॉब्लम क्या है कि भाई जिस दिन कंपनी के शेयर्स लिस्ट होते हैं मार्केट में बड़े सारे बायर हैं, सेलर है नहीं, डिमांड बढ़ती जाती है, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। इस प्राइस को रोकने के लिए ग्रीन शू ऑप्शन नाम का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, वैसे इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या होना चाहिए? प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म। डन, देखिए क्या कह रहा है। अभी एक और डायग्राम देखिए इधर ध्यान से, ऑल ऑफ यू। कह रहा है इसमें होता क्या है, सुनना बड़े ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। कह रहा है कंपनी के प्रमोटर्स या कंपनी के ऐसे शेयर होल्डर्स जिनकी शेयर होल्डिंग 5% से ज्यादा है, कंपनी के प्रमोटर्स या कंपनी के ऐसे शेयर होल्डर्स जिनकी शेयर होल्डिंग कंपनी में 5% से ज्यादा है। समझ आ रही है कहानी? इधर देखिए ध्यान से, कंपनी के प्रमोटर्स या कंपनी के शेयर होल्डर्स जिनकी शेयर होल्डिंग 5% से ज्यादा है, ये लोग क्या करते हैं, एक बंदे को अपॉइंट करती है कंपनी स्टेबलाइजिंग एजेंट। किसको? स्टेबलाइजिंग एजेंट, ये मर्चेंट बैंकर ही होता है। ठीक है, इसको मिलके 15% शेयर्स उधार दे देते हैं। मिलके क्या करते हैं? 15% शेयर्स उधार दे देते हैं। दोबारा समझो, कंपनी के प्रमोटर्स एंड ऐसे शेयर होल्डर्स जिनकी शेयर होल्डिंग 5% से ज्यादा है, ये लोग क्या करते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट अपॉइंट करते हैं मर्चेंट बैंकर को, स्टेबलाइजिंग एजेंट जो प्राइस को स्टेबलाइज करेगा, और उसको 15% तक शेयर्स उधार दे देते हैं। 15% किसका? इशू साइज का। मतलब मान लो कि हमने पब्लिक को 1,00,000 शेयर्स इशू करे थे, तो हम स्टेबलाइजिंग एजेंट को दे देंगे 15,000 शेयर्स। इसमें कोई डाउट? क्लियर है यहां तक सबको? पक्का? अब स्टेबलाइजिंग एजेंट हमारे व्याप में स्टेबलाइजेशन का काम करेगा। क्या करेगा? सुनो, जैसे ही मार्केट में पब्लिक डिमांड करेगी, अभी तक क्या हो रहा था, डिमांड थी सप्लाई थी नहीं, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा था। जैसे ही डिमांड करेगी ये इमीडिएटली सप्लाई कर देगा, क्योंकि इसको हमने 15,000 शेयर्स दे दिए ना, तो ये मार्केट में सप्लाई कर देगा। क्लियर है ये बात? अब आप बताओ, जब डिमांड बढ़ी सप्लाई बढ़ गई, डिमांड बढ़ी सप्लाई कर दिया, तो क्या प्राइस उतना बढ़ेगा जितना पहले बढ़ता, या कंट्रोल हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। यही तो है ग्रीन शू ऑप्शन। तो ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब क्या हुआ कि कंपनी को डर लग रहा है कि जैसे ही लिस्टिंग होगा अननेसेसरली उसका प्राइस शूट अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई है नहीं, डिमांड बहुत ज्यादा है, प्राइस बढ़ता रहेगा। अनजस्टिफाइड इन्फ्लेशन इज बैड, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये नई नई कंपनी है, ऑलरेडी लिस्टेड है नहीं, कोई पुरानी एवरेज है नहीं इसकी। तो इस केस में कंपनी क्या कर सकती है, एक एजेंट को अपॉइंट करेगी जिसका नाम है स्टेबलाइजिंग एजेंट। स्टेबलाइजिंग एजेंट कौन है? मर्चेंट बैंकर है। उसको लेंड करेंगे 15% शेयर्स एक्स्ट्रा, मतलब 1,00,000 शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को इशू किए, उसका 15% जो है वो प्रमोटर्स और बड़े शेयर होल्डर्स लेंड कर देंगे स्टेबलाइजिंग एजेंट को। अब जैसे ही मार्केट में डिमांड आएगी वो सप्लाई कर देगा, जिससे डिमांड सप्लाई मीट हो जाएगी और प्राइस अननेसेसरली शूट अप नहीं होगा। ये बात समझ आती है? क्लियर है सबको? तो दिस इज नोन एज प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म या ग्रीन शू ऑप्शन। सर वो 15,000 शेयर्स जो उसने लिए हैं वो आगे उसको बेच देगा, सेल करेगा ना, डिमांड आई उसने सेल कर दिया, सर वो तो शेयर्स यूज हो गए, अब वो वापस क्या देगा प्रमोटर्स को, कैसे करेंगे, वो बात की बात है, अभी हमने वो नहीं पढ़ा। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया कि कैसे वो स्टेबलाइज करेगा। ये बात क्लियर है? वो कैसे स्टेबलाइज करेगा कि कंपनी ने जितने शेयर्स लोगों को इश्यू किए हैं उसका मैक्सिमम 15% प्रमोटर्स या शेयर होल्डर्स जो बड़े बड़े हैं वो मिलकर स्टेबलाइजिंग एजेंट को इश्यू कर देंगे, और वो लोग वो क्या करेगा, वो उधार ले रहा है, लेंड कर रहे हैं ना, खरीद थोड़ी रहा है, वो उधार ले रहा है, राइट? उधार, उधार का मतलब क्या है कि शेयर्स उन्हें वापस पक्का मिल जाएंगे। कहां से मिलेंगे वो भी हम देखेंगे। तो इतने में क्या होगा, स्टेबलाइजिंग एजेंट के पास शेयर्स चले गए। स्टेबलाइजिंग एजेंट ने क्या करा, मार्केट में जैसे डिमांड आ रही थी शेयर्स को सेल आउट कर दिया, करते, और ये जो, और इससे क्या हुआ, प्राइस उतना नहीं बढ़ा जितना पहले बढ़ सकता था। सिंपल सी बात है। इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट? अब सुनिए, ये सारा ड्रामा ना मैक्सिमम 30 डेज तक होता है। मतलब स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म आप ज्यादा से ज्यादा 30 दिन तक कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और 30 दिन कहां से स्टार्ट होंगे, जिस दिन कंपनी पहले दिन लिस्ट हुई है, जिस दिन कंपनी पहले दिन लिस्ट हुई है वहां से 30 डेज तक आप ये कर सकते हो। क्लियर है ये बात? क्या, इधर देखिए बड़े ध्यान से, मान लो कि हमने प्रमोटर से 15,000 शेयर्स लिए थे, उसमें से स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म में 8,000 शेयर्स यूज हो गए, हो सकता है ऐसा, 7,000 बच गए, हाँ या ना? वो जो 7,000 बच गए वो तो हम वापस कर देंगे, राइट? अब पॉइंट यह रहा है सर, वो जो 8,000 यूज हो गए, खर्च हो गए, उनका क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर है? 7,000 बच गए जो अनयूज हो गए, अनयूटिलाइज हो गए, अनसोल्ड है, वो तो हम वापस कर देंगे, लेकिन जो सर खर्च हो चुके हैं उसका क्या होगा? एम आई क्लियर विद द क्वेश्चन? पक्का?